हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। मैं उन सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैनेडा पीआर होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप कैनेडा एमिग्रेट होने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीआर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और इन केस आपको पीआर यहाँ पे मिल जाता है तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मोस्टली पीपल क्यों कनाडा मूव होना चाहते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप पीआर कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप मिल सकती है। कनाडा इमिग्रेट होने के ये फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप पीआर कार्ड होल्डर होंगे, देन आपको उसके लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो या तो आपको कनाडा की सिटीजनशिप रखनी पड़ेगी या फिर आपको यहाँ पे सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का ये बेनिफिट आपको मिलता है, बट नॉट फॉर इंडियंस। ओके, अब दूसरी बात आती है, वीजा फ्री एंट्री होती है आपकी कुछ कंट्रीज में, जैसे कि इंडियन आपके इंडियन पीपल के लिए भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वीजा फ्री है, और बिना वीजा के आपको वीजा स्टैम्प करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, किसी भी तरीके के वीजा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से आपको, अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आफ्टर यूएस आप कनाडा विजिट अदर कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। इवन आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी आप पीआर कार्ड होल्डर हैं तो आप किसी अदर कंट्री में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि तीसरा बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा बेनिफिट है, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको फ्री इंग्लिश क्लासेस, फ्री फ्रेंच क्लासेस प्रोवाइड करती है। इन केस इफ यू नीड इंग्लिश क्लासेस और फ्रेंच क्लासेस, अगर आप अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं लैंग्वेज में, तो उस केस में आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिलती हैं। और क्लासेस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये आपके प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रोविजन यहाँ पे मिलता है। अगर आप फिजिकली क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात अगर करें तो इसमें क्या क्या होता है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें विद इन कैनेडा, तो यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड तक के पूरे जो एजुकेशन है फ्री मिलेगी, इफ यू आर पीआर कार्ड होल्डर एंड योर किड्स आर इन स्कूल। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन का ये प्रोविजन है। अब फ्री एजुकेशन में क्या है कि सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे इवन बुक्स का एक्सपेंस भी नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, बुक्स फ्री हैं, मील्स फ्री हैं, स्कूल में मील्स फ्री हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कनाडा का, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ कंट्री ये यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए कनाडा एक अच्छा इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बेस्ट डेस्टिनेशन है इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं जिसमें आप कैनेडियन सिटीजन के जो सोशल बेनिफिट्स हैं उसको आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बेनिफिट है कि आपको फ्री मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। फ्री मेडिकल की फैसिलिटी बोले तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप सनग्लासेस की बात स्पेक्टिकल्स की बात करें जो मैंने पहने हैं, इसके इसके लिए आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। बट अदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका प्री मेडिकल चेकअप है, हेल्थ केयर है, हेल्थ बीमा है। ठीक है, अगर इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, और अगर बड़ी से बड़ी सर्जरी भी यहाँ पे फ्री में होती है। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस स्ट्रीम में आप जाते हैं और कहाँ पे आप कौन सा हेल्थ केयर प्लान चूज करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, बट आप कुछ ना कुछ, चलिए मैं बस इसके बाद में डिस्कस करूंगा। अब फ्री मेडिकल की बात हो गई है, फ्री एजुकेशन की बात हो गई है, अब बात करते हैं अगर आप पीआर होल्डर हैं तो आप अपना पीआर को एक्सटेंड कर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करें कि आपका पीआर कार्ड, पीआर का जो स्टेटस है वो एक्सपायर होने वाला कुछ टाइम में,
तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपना एक्सटेंशन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 7 30 डेज ऑलरेडी यहाँ पे रह चुके हैं आउट ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर जो पीआर कार्ड होता है 5 ईयर के लिए होता है, अगर आप 7 30 डेज ऑलरेडी रह चुके हैं तो आप यहाँ पे पीआर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो मेन पॉइंट है वो है कि आप अपना फैमिली स्पॉन्सर, फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली स्पॉन्सर की बात करें, मदर फादर ब्रदर सिस्टर और आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, और नेफ्यू नीस, इनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो ओल्डर देन, इफ दे आर ओल्डर देन 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल से कम एज के हैं और मैं अनमेरिड हैं, तो इस केस में आप इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप चले गए तो आप अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट एक ऐसा यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपने फैमिली के साथ कोलैब होकर यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीआर कार्ड जो आपका होता है 5 ईयर्स के लिए होता है, इसमें अगर 1095 डेज, 1095 डेज अगर आप कनाडा में ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उसके बाद आपका पीआर का सिटीजनशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं एज ए पीआर कार्ड होल्डर। तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इन केस अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप कनाडा मूव हों, ठीक है। और बेस्ट मेथड क्या है कनाडा मूव होने का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए एक्सप्रेस एंट्री है, और जो स्किल्ड वर्कर्स में नहीं आते हैं तो आप बेस्ट आपके लिए ये है कि आप विजिटर वीजा पर जाएं। अब देखिए विजिटर वीजा पर जाना, सभी लोग बोलते हैं कि विजिटर वीजा पर जाएं, $1,000 पे, ₹5,000, ₹6,000, ₹10,000, ठीक है, और आप एजेंट के चक्कर में पड़ते भी हैं। बट मैं आपको ये एजेंट वाला सीन नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एजेंट के थ्रू नहीं आपको प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि एजेंट काफ़ी पैसा आपसे ले लेते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट दी है canada.ca की, उसमें आपको हर जानकारी मिल जाएगी कनाडा के बारे में, आपने कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, कैसे आपने यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले बात की थी मैंने, बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, आप देखिए बेनिफिट हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपसे टैक्सेस जरूर ले जाएंगे, बट टैक्स लेने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अमेरिका, किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आपसे टैक्स जरूर लिया जाता है, क्योंकि टैक्स आप कंट्री के वेलफेयर के लिए होता है, तो आपसे थोड़ा बहुत टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का स्केल क्या है, ये डिपेंड करता है आपका इनकम स्टेटस क्या है, इनकम स्लैब क्या है, और इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे टैक्स के लिए टैक्स आपसे लिया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में आपका टैक्स लगता है। और ये टैक्स देने का एक ही बेनिफिट है कि आपको ये चीज़ें रिटर्न में मिल जाती हैं, आपको फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, और बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि पीआर कार्ड होल्डर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं कनाडा में। अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी से इस बारे में सोचिए और अपना फ्यूचर बनाइए, अपनी फैमिली को वहाँ पे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव गुड डे, बाय बाय।